अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम री एंट्री परमिट कैसे चेक करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि री एंट्री परमिट हमारी कंपनी ने हमारी तरफ से अप्लाई किया है या नहीं किया है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसको चेक करने का सिस्टम वो नहीं है जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं। जैसे वीज़ा चेक करने के लिए हम लोग अपना पासपोर्ट नंबर से या वीपी नंबर से चेक करते हैं, तो हमें वीज़ा का स्टेटस दिखाई पड़ता है कि वीज़ा अंडर प्रोसेस है या रेडी टू प्रिंट हो गया या नहीं हो गया। तो इसी तरह री एंट्री परमिट का चेक करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बल्कि आपको चेक करने के लिए जिस कंपनी ने अप्लाई किया है वही कंपनी वाला इसको चेक कर सकता है। या ये कि अगर री एंट्री परमिट रेडी हो जाएगा तो उसमें दो ईमेल डाला जाता है, एक कंपनी का एक वर्कर का। तो अगर आपकी कंपनी ने आपका ईमेल डाल दिया था तो आपके ईमेल में मैसेज आ जाएगा कि रेडी हो गया है या नहीं रेडी हुआ है। लेकिन इस बीच में आप चेक नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिस कंपनी ने अप्लाई किया था वही कंपनी वाला इसको चेक कर सकता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे चेक करेंगे। तो एप्लीकेशन चेक करने के लिए जिस आईडी नंबर से या स्मार्ट आईडी कार्ड से परमिट के लिए अप्लाई किया था, उसी स्मार्ट आईडी कार्ड से लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर माई एप्लीकेशंस, नीचे में एप्लीकेशन नंबर, सबमिटर नेम, क्यू आई डी, एप्लीकेंट डेट, स्टेटस। आपको इसी यहाँ जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसी में आपको सब कुछ डिटेल मिलेगा कि जिन लोगों की तरफ से एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, तो उन लोगों का यहाँ पर एक एक करके नाम दिखाएगा और जिस डेट में एप्लीकेशन दिया गया है वो डेट भी यहाँ पर शो करेगा। और उसके नीचे स्टेटस में आपको यहाँ पर दिखाएगा रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट दिखाएगा, अगर अंडर प्रोसेस है तो अंडर प्रोसेस दिखाएगा। तो दोस्तों, यही तरीका था कि कैसे चेक करना है कि एप्लीकेशन सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो लोग कतर से बाहर हैं वो पूछ रहे हैं कि इसको कैसे चेक करेंगे, तो दोस्तों वो लोग खुद से चेक नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसकी कंपनी या उसका जो कंपनी का जो मंदूब है मंदूब ही चेक कर सकता है, आप खुद नहीं चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।